सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल करियर सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स कमांड के बारे में। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो व्हाट इज इंडियन एयरफोर्स से ये समझा कि इंडियन एयरफोर्स में कितनी और कहां-कहां कमांड स्थित है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। आशा करता हूं वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको इंडियन एयरफोर्स कमांड की पूरी जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। इंडियन एयर फोर्स यानी भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसमें 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड है। हर एक कमांड हेड की जाती है भाई एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ विद द रैंक ऑफ एयर मार्शल के हाथों, और हर कमांड न्यू दिल्ली से अपडेट होके आती है, जिसकी कमांड एयर चीफ मार्शल के हाथ होती है। चलिए अब पहले बात करते हैं ऑपरेशनल कमांड के बारे में। सेंट्रल एयर कमांड CAC यानी सेंट्रल एयर कमांड की स्थापना 19 मार्च 1962 रानी कुटीर कलकत्ता में हुई थी, जिसे 1966 में बमरौली अलाहाबाद उत्तर प्रदेश शिफ्ट कर दिया गया। सेंट्रल एयर कमांड की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ सेंट्रल इंडिया दिल्ली टू बंगाल तक है। सेंट्रल एयर कमांड के एयरबेस की बात करें तो आगरा, बरेली, गोरखपुर, अलाहाबाद, ग्वालियर, नागपुर और कानपुर जैसी जगहों पे सेंट्रल एयर कमांड के एयरबेस है। सेंट्रल एयर कमांड के एक्टिव एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की बात करें तो मिराज 2000, MiG-21, AN-32, IN-76, डॉर्नियर DO-228, MI-17, MI-8 और MI-26 जैसे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर सेंट्रल एयर कमांड के अंदर हैं। सेंट्रल एयर कमांड के वॉर और मेजर ऑपरेशन की बात की जाए तो सीनो इंडियन वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965, इंडो पाक वॉर 1971, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन सफेद सागर 1999, ओडिशा साइक्लोन 1999, भुज अर्थक्वेक 2001। सेंट्रल एयर कमांड के मौजूदा एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल राजेश कुमार हैं। चलिए अब बात करते हैं ईस्टर्न एयर कमांड के बारे में। EAC यानी ईस्टर्न एयर कमांड की स्थापना 1 दिसंबर 1959 रानी कुटीर कलकत्ता में हुई थी, जिसे 1962 इंडो चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बाद 10 जून 1963 शिलोंग में शिफ्ट कर दिया गया। ईस्टर्न एयर कमांड की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 11 स्टेट्स को कवर करती है और नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री से ये कमांड घिरी हुई है। ईस्टर्न एयर कमांड के एयरबेस की बात करें तो चौबा, गुवाहाटी, बगडोगरा, बारकपुर, हशमीरा, जोरहट, तेजपुर, अगरतला, कलकत्ता, पन्नागढ़ और शिलोंग जैसी जगहों पे ईस्टर्न एयर कमांड के एयरबेस हैं। ईस्टर्न एयर कमांड के एक्टिव एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की बात करें तो MiG-29, MiG-27, Sukhoi-30 Mk-1, MI-17, MI-24, Avro-748, AN-32, MI-8, HAL Dhruv, HAL Chetak जैसे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ईस्टर्न एयर कमांड के अंदर हैं। ईस्टर्न एयर कमांड के मौजूदा एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल राजीव दयाल माथुर है। चलिए अब बात करते हैं वेस्टर्न एयर कमांड के बारे में। WAC यानी वेस्टर्न एयर कमांड, जो कि सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है इंडियन एयर फोर्स की, जिसे 22 जुलाई 1949 में रीडिजाइन किया गया। यह एक रीजनल कमांड है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वेस्टर्न एयर कमांड के एडवांस हेडक्वार्टर आर्मी वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ के पास है। वेस्टर्न एयर कमांड की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक है। वेस्टर्न एयर कमांड के एयरबेस की बात करें तो आदमपुर, अंबाला, अवंतीपुर, चंडीगढ़, हलवारा, हिंडन, लेह, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, सरसवा, सिरसा, सियाचिन, ग्लेशियर और उधमपुर जैसी जगहों पर वेस्टर्न एयर कमांड के एयरबेस है। वेस्टर्न एयर कमांड के एक्टिव एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की बात करें तो एवरो, डॉर्नियर, जैगुआर, MiG-29, IL-76, AN-32, MI-17, MI-26, हेल चीता, हेल ध्रुव, Sukhoi-30 Mk-1, चिनुक, अपाची, बाइसन जैसे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर है। वेस्टर्न एयर कमांड के वॉर और मेजर ऑपरेशन की बात करें तो इंडो पाकिस्तान वॉर 1947, सीनो इंडियन वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965, इंडो पाक वॉर 1971, ऑपरेशन पवन 1986, ऑपरेशन सफेद सागर 1999। वेस्टर्न एयर कमांड के मौजूदा एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल बाला कृष्णा सुरेश हैं। चलिए अब बात करते हैं साउथर्न एयर कमांड के बारे में। SAC यानी साउथर्न एयर कमांड की स्थापना
19 जुलाई 1984 तिरुवनंतपुरम केरला में हुई थी। इस कमांड के एस्टेब्लिशमेंट होने का कारण श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट और इंडियन ओशन में स्ट्रॉन्ग बेस बनाना था। साउथर्न एयर कमांड के एक्टिव एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की बात करें तो MI-8, MI-17, AN-32, हेल तेजस, Sukhoi-30 MAC-1 जैसे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर साउथर्न एयर कमांड के अंदर हैं। साउथर्न एयर कमांड के मौजूदा एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ एयर मार्शल अमित तिवारी हैं। चलिए अब बात करते हैं साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के बारे में। SWAC यानी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की स्थापना 23 जुलाई 1980 जोधपुर में नंबर 1 ऑपरेशनल ग्रुप वेस्टर्न एयर कमांड के रूप में हुई थी, जिसे मई 1988 गांधीनगर शिफ्ट कर दिया गया। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी साउथ वेस्टर्न एयर सेक्टर, जिसमें राजस्थान, साउथ गुजरात टू सौराष्ट्र, कच्छ टू पुणे तक है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एयरबेस की बात करें तो भुज, जैसलमेर, नालिया, जामनगर, जोधपुर, बारमर, अहमदाबाद, सूरतगढ़ और उत्तरलाई जैसी जगहों पे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एयरबेस हैं। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एक्टिव एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की बात करें तो MiG-21, MiG-29, Sukhoi-30 MAC-1, MiG-27, जैगुआर, Avro-748, IL-76, MI-8, हेल चेतक, MI-35 जैसे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के मेजर ऑपरेशन की बात करें तो भुज अर्थक्वेक 2001, गुजरात फ्लड रिलीफ 2005। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के मौजूदा एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया हैं। चलिए अब बात करते हैं फंक्शनल कमांड के बारे में। ट्रेनिंग कमांड TC यानी ट्रेनिंग कमांड की स्थापना इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन एयरफोर्स द्वारा ट्रेनिंग ग्रुप के रूप में हुई थी, जिसे 1949 में रीडेजिग्नेटेड कर दिया गया ट्रेनिंग ग्रुप से ट्रेनिंग कमांड में। ट्रेनिंग कमांड फ्लाइंग और ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका में स्थित है। ट्रेनिंग कमांड के मौजूदा एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ एयर मार्शल रविंद्र सिंह बटोला हैं। चलिए अब बात करते हैं मेंटेनेंस कमांड के बारे में। MC यानी मेंटेनेंस कमांड की स्थापना मेंटेनेंस ग्रुप के रूप में 1950 चाकेरी कानपुर में हुई थी, जिसे 1955 में मेंटेनेंस ग्रुप को मेंटेनेंस कमांड में कन्वर्ट कर दिया गया और कमांड का हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र स्टेब्लिश कर दिया गया। मेंटेनेंस कमांड में 9 बेस रिपेयर डिपोर्ट्स हैं, जिनका वर्क रिपेयर द ओवरहॉल और मेंटेनेंस ऑफ ऑल एयरक्राफ्ट होता है। अगर BRD यानी बेस रिपेयर डिपोर्ट की बात करें तो कानपुर, ग्वालियर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, तुगलकाबाद, पुणे, ओझर, जोधपुर जैसे इलाकों में मेंटेनेंस कमांड के डिपोर्ट्स हैं। मेंटेनेंस कमांड के मौजूदा एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ एयर मार्शल शशिकर चौधरी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। आशा करता हूँ इंडियन एयरफोर्स के कमांड की आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। तो दोस्तों, करियर सॉल्यूशन को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी ऐसी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। और आपका इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।